नमस्कार, ओम शांति। चलिए आज हम बनाते हैं बज का, बिहार का जो रेसिपी है। इसके लिए मैं हरी मिर्च, अदरक, जीरा और गोल मिर्च ली हूँ। अब यहाँ पे बैंगन, आलू, टमाटर और मिर्च को लिया है, धो के काट लिया है। आलू में नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, जिससे आलू में अंदर तक नमक चला जाए। अब इसी तरह से हमें बैंगन में भी नमक और हल्दी डाल के मिक्स कर लेना है। ऐसे करने से बचका के अंदर तक नमक चला जाता है। अब केले के पीस में भी नमक हल्दी मिला के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब तब तक बेसन तैयार कर ले रहे हैं। मैं यहाँ 1 कप बेसन ली हूँ, उसमें हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि आलू में भी मैं नमक डाली हूँ, बैंगन टमाटर में भी नमक डाली हूँ। और यहाँ मसालों को पीस के इसी में मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी दे के इसको घोलेंगे। हमें ज़्यादा पतला घोल नहीं तैयार करना है, नहीं तो ये बैंगन और आलू पे कोट नहीं होगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे और इसको खूब फेंटेंगे। फेंटने से बचका अच्छा तैयार होता है। अब देख सकते हैं हमें घोल को इस तरह से तैयार करना है। और घोल को भी हम 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे, 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। अब इसमें बैंगन को डिप करेंगे और मैं यहाँ कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म कर चुकी हूँ और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है चाय के साथ। देख सकते हैं मैं यहाँ बहुत ही थोड़े तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, कि मैं ज़्यादा तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसको फिर यूज कर जाती हूँ सब्जी बनाने में। अब इस तरह से बैंगन का बचका या पकौड़ा, जो भी आप बोलिए, तैयार हो गया। इसी तरह इसमें मैं दोबारा बैंगन को डाल दूंगी, जो है उसको भी फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं इतना बढ़िया क्रंची तैयार होता है। चावल का आटा डालने से बचका क्रंची बनता है। इसी में मैं केले को भी डिप करके डाल दे रही हूँ। केला और बैंगन दोनों साथ साथ पक रहे हैं, देख सकते हैं। अब इसी तेल में मैं मिर्च को भी बीच से चीरा लगा ली हूँ और इसको भी फ्राई करेंगे। ये भी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, मिर्च का पकौड़ा। देख सकते हैं इस तरह से मैंने मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। ये शाम के चाय के साथ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इस बिहारी मिर्च पकौड़ा और आलू बैंगन बचका को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। देख सकते हैं अब इसी में मैं टमाटर को भी बीच से गोल गोल काटती हूँ, उसको भी फ्राई कर लूँगी। अब मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ, इसको डिप करके। देख सकते हैं आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन नमक मिला देने से आलू जल्दी पक जाता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से मैंने आलू के बचकों को भी तैयार कर लिया है। अब टमाटर को भी बेसन के घोल में डिप करेंगे और उसको भी तेल में डाल देंगे। ये भी बहुत टेस्टी लगता है टमाटर का पकौड़ा खाने में, अब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चाहे तो इसमें और मिर्च मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने जरूरत अनुसार इसमें मिर्च मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। देख सकते हैं बैंगन का पकौड़ा थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। और यहाँ मैं मीडियम फ्लेम पे ही इसे तैयार कर रही हूँ। देख सकते हैं ये मेरा बैंगन का, आलू, टमाटर, केले का बचका पकौड़ा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। आप इस बचका रेसिपी में लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट ऐसे ही बनता है बिना लहसुन प्याज का। ये टी टाइम बिहारी नाश्ता तैयार है सर्व करने के लिए।